Hey everyone, welcome to my channel. और आज ब्रेकफास्ट में बनाया है उड़द दाल का बड़ा। ये उड़द दाल और चावल आटा का बनता है और खाने में बहुत टेस्टी होता है ये। और इसे आप इवनिंग टाइम में, मॉर्निंग टाइम में भी बना सकते हैं। इसे मैंने सर्व किया है हरी मिर्च की चटनी के साथ और इसके साथ ये बहुत ज़्यादा, इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है, बड़ा और हरी मिर्च की चटनी। और इस टाइम पे मैंने बेबी को बाथ भी दे दिया था और वो उसके बाद फिर वो खेल रहा है। टीवी में एक गाना लगा हुआ है जिसको देख देख के वो डांस कर ये जा रहा है। और ये शाम की टाइम हो गई है, ये शायद 4 बज रहा है। थोड़ा सा मौसम बारिश होने वाली है। अरे मेरे बेटे के साथ मैं काफ़ी टाइम स्पेंड करती हूँ, उसके साथ खेलती हूँ, उसके खिलौनों के साथ उसको खिलाते रहती हूँ। वैसे वह काफ़ी अपने आप भी खेलते रहता है, लेकिन फिर भी मैं उसे टाइम देती हूँ और मैं उसके कुछ खिलौने वगैरह भी शेयर कर रही हूँ जो काफ़ी अच्छे हैं बच्चों के डेवलपमेंट के लिए, लर्निंग डेवलपमेंट के लिए। ये एक शेप वाला टॉय है जिसमें सारे शेप हैं। और ये एक टॉय है जिसमें बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, शेप है, काफ़ी कुछ है इसमें। ये वाले खिलौने में ये मैंने अमेजन से परचेज़ किया था और इसमें बहुत सारी लर्निंग एक्टिविटी है जो बच्चे खेलते हैं, उसमें डालते हैं। इसमें म्यूज़िक है, बहुत बहुत अच्छा है ये वाला टॉय। और ये मैंने अमेजन से परचेज़ किया था, म्यूज़िक वगैरह सारी हैं उसमें। और ये बोर्ड बुक है, बोर्ड बुक भी मैंने अमेजन से ही परचेस किया था और ये 6 के सेट में था। और ये आई थिंक कलर, नंबर, अल्फ़ाबेट, वर्ड्स और एनिमल, इस तरीके से 5 या 6 के सेट में है। फ्रूट्स, ये अच्छी होती है बोर्ड बुक बच्चों के लिए। ये भी एक बोर्ड बुक है जिसमें नर्सरी राइम्स है, नाइट के टाइम अगर आपको कोई स्टोरी वगैरह सुनाना है तो ये सब सुनाइए, ये दिखाइए, तो उनको भी थोड़ा आइडिया होता है। और ये ब्लॉक्स है जिसमें ABCD भी है, 1, 2, 3 भी है। ये मैंने फर्स्ट क्राई से परचेस किया था। और ये वाली जो एक और एक बोर्ड बुक टाइप की है जिसमें वेजिटेबल है और उसमें एक उसके लिए वो बना हुआ है जिसमें उसे डालना है, तो ये भी मेरा बेटा कर लेता है इजली। एक एक खुला हुआ है इसलिए ये अभी तक पैक है।
उसे खिलाने के बाद मैं अपने लिए बना ली हूँ एक चाय। चाय के साथ मैंने लिया बिस्किट्स और एक नमकीन लिया है, जो हल्दीराम की सोया कटोरी आती है वो चाय के साथ बहुत अच्छी लगती है। उसका कॉम्बिनेशन और चाय बहुत ही अच्छी लगती है। ये मैंने कुकीज़ टाइप की बिस्किट, कराची की बिस्किट है एक्चुअली, और ये सोया कटोरी तो चाय के साथ, और ये मेरे हिमांग को भी बहुत पसंद आया। चाय वाय पीने के बाद मैं ले गई अपने बच्चे को गार्डन। गार्डन में वो झूला वगैरह उसे झुलाया, वॉक कराया थोड़ी देर। और ये झूला वो 1 साल से जब छोटा था तभी का झूल रहा है, उसके पापा ही झुलाते हैं और वो उसमें इसको बिल्कुल नहीं डरता वो, और काफ़ी अच्छे से इंजॉय करता है। और ये दिख गया हमें एक मोर। वहाँ से आने के बाद मैंने पूजा की, उसके बाद मैं डिनर के प्रिपरेशन करने लग गई। इसके लिए मैंने बनाया सोयाबीन आलू जो टमाटर वाली होती है, तो सोयाबीन को पहले मैंने गर्म पानी में डिप कर दिया था और इधर कढ़ाई चढ़ाई है, उसमें जीरा सरसों डाला है और चॉप्ड अनियन डाला है, और जो सोयाबीन होता है उसको गर्म पानी में डिप करके फिर अच्छे से उसे निचोड़ लेते हैं, फिर उसको यूज़ करते हैं। जब अच्छे से प्याज गोल्डन फ्राई हो गया तब हम इसमें सोयाबीन को डालेंगे और भूनेंगे इसको भी 5 मिनट तक के। फिर मैंने यहाँ पे क्या किया है, 3 उबले हुए आलू लिए हैं और 2 मीडियम साइज़ के कटे हुए टमाटर लिए हुए हैं। ये जब सोयाबीन थोड़ा सा भून जाए तब हम इसे इसमें ऐड कर देंगे टमाटर को, और इसे भी नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार, और थोड़ी देर तक के लिए ढक के पकाएंगे ताकि नमक की वजह से जो टमाटर है वो अच्छे से गल जाए। फिर इसमें हम उबले हुए आलू को रफली चॉप करके डालना है। इसमें बचे हुए मसाले जैसे कि हल्दी पाउडर, गरम मसाला, धनिया पाउडर ये सब ऐड कर लूँगी, और एक ग्रीन चिली का पेस्ट जिसमें गार्लिक ऑलरेडी डला हुआ है वो भी ऐड कर दूँगी। ग्रीन चिली का पेस्ट आप अपने फ्रिज में ज़रूर रखिए, बहुत अगर आपको बहुत जल्दी है खाना बनाने में तो आप इसे ऐड कर दीजिए, तो उसमें गार्लिक भी मिल जाता है, इवन आपको ग्रीन चिली मिर्ची भी मिल जाती है। अब इसमें सफिशियंट अमाउंट में पानी ऐड करेंगे, फिर इसे 1 उबाल आने तक पकाएंगे। इधर मेरी सब्जी बन रही है और इधर साथ के साथ मैंने आटा लगा लिया है। आटा में मैंने मसाला वाला पूड़ी बना। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी, और इसका मैंने पूड़ी तल लिया है, और पूड़ी और ये सब्जी का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा जाता है। और इसमें है सोयाबीन तो ऑलरेडी प्रोटीन सोर्स होता है। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी नई वीडियो के साथ। बाय बाय।